तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा शुरू कीजिए। जी मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ। मिथिलेश ठाकुर, जिसने बेगूसराय की बाहुबली की पदवी पाने के लालच में अपने सगे भाई व्योम ठाकुर की हत्या कर दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे राय बाबू, अभी नेहा जी ने बोलना शुरू भी नहीं किया और आपका ऑब्जेक्शन लग गया। अरे भाई, उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए। थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही, मिथिलेश ठाकुर ने बड़ी ही खूबसूरती से एक झगड़े के बहाने अपने सगे भाई प्रियम ठाकुर की हत्या कर दी और फिर अपने पूरे परिवार को इस कदर झांसे में दिया कि आज ये सब इन्हीं को बचाना चाहते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती बेटा। इन्होंने तो जल्दबाजी में प्रियम ठाकुर का अंतिम संस्कार भी कर दिया और वो भी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। ताकि सारे सबूत ही मिट जाए। लेकिन इतना ही नहीं, जब हमारी मुवक्किल बिंदिया प्रियम ठाकुर पुलिस स्टेशन गई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तब इंस्पेक्टर भोला प्रसाद ने एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया। पर थैंकफुली मीडिया के दबाव में आके उन्हें एफआईआर दर्ज करना ही पड़ा और अब ये केस आप ही के सामने है मिला। मीडिया के हाथ मजबूत होने से काफी फायदा हुआ है हमारे देश। तो राय बाबू बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू योर ऑनर। हो गया ना आपका? योर ऑनर, हमारी दोस्त नेहा जी ने जो कत्ल का इल्जाम मेरे मुवक्किल मिथिलेश ठाकुर पे लगाया है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद। मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। सच ये है कि इनके छोटे भाई प्रियम ठाकुर का कोई कत्ल वत्ल नहीं हुआ है, बल्कि एक सड़क दुर्घटना में बहुत ही बेदर्दी से बेचारे मारे। और इस बात का सबूत भी है हमारे पास योर ऑनर।